दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यदि तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट की GDS की समस्या पोस्ट की, इस पर आप सभी लोग ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। अब शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस से संबंधित सभी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर पहले में है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन चार है यहाँ पे, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। तो सबसे बड़ा कहाँ है? भारत में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग 1.5 लाख डाकघरों की संख्या है। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 89% ग्रामीण डाक सेवक काम करते हैं। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निवासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 6 चैनल बनाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल क्या है? दूरदर्शन चैनल, आकाशवाणी चैनल, टेलीफोन सेवा, डाक सेवा। तो ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा है। आगे की ओर देखते हैं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1972 में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है, जोन प्रदर्शित करता है कि कौन सा जोन है। अगला प्रश्न है, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश की सर्वाधिक राज्य सम्मिलित हैं? डाक सूचकांक सेवन के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? इसमें हो जाएगा 10 राज्य। अगला क्वेश्चन है, डाक सूचकांक के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन से हैं? कौन से हो जाएंगे यहाँ पास? बिहार एवं झारखंड। जो डाक सूचकांक 8 है, इस पे बिहार और झारखंड शामिल हैं। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो ये पहले भी हम एक क्वेश्चन पे लाए थे, लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? इसका उत्तर है 1854 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ये भी है 1854, इसका भी उत्तर हो जाएगा। पहले डाक टिकट कहाँ पर जारी की गई थी? सबसे पहले कराची में डाक टिकट जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब आरंभ हुआ था? ये हो जाएगा 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली यहाँ पे चालू किया गया। भारतीय डाक विभाग में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब किया गया? तो यहाँ पास 4 ऑप्शन हैं, ABC। हमारा जो राइट आंसर है तो ये हो जाएगा 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत में STD सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? STD सेवा की जो शुरुआत है 1960 में की गई। भारत में पहली STD सेवा किन दो देशों के मध्य शुरू की गई थी? तो इसका हो जाएगा लखनऊ और कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई, ये कब हुई थी? ए नंबर इस पे है दिल्ली लखनऊ के मध्य, फिर है दिल्ली से मुंबई के मध्य, लखनऊ से कानपुर के मध्य, इलाहाबाद नैनी के मध्य। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से नैनी के मध्य। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत, चीन, जापान, फ्रांस। तो सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? भारत में है। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? सबसे तेज और सस्ता साधन क्या है? ईमेल है। ईमेल के द्वारा हम बहुत जल्दी किसी को भी सूचना दे सकते हैं। भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? बचत बैंक, म्यूचुअल फंडों का खुदरा लेन देन, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, जीवन बीमा सुरक्षा। तो हमारा जो डाकघर में हम डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, ये सुविधा हम इस पर नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन से शुरू होता है तो वह डाकघर संभव किस राज्य में होगा? तो कहाँ होगा? केरल में होगा। मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? STD कोड 022 होता है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आधुनिकीकरण से है? इसका हो जाएगा डाकघर से। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? इसका हो जाएगा 1951 में, ठीक है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? भारत में अंतिम टेलीग्राम 30 जुलाई 2013 को भेजा गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी है? इसका क्या हो जाएगा? द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, नॉन ऑफ दिस। ये हो जाएगा द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से किस एक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? मनी ऑर्डर, डाक जीवन बीमा, अंतर्देशीय पत्र, ये सभी चालू हैं। जो तार व्यवस्था है इसको अभी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होते हैं हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस। यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर भी हमसे यह पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे जल्द अगले वीडियो में। अभी के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।